आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में अंडर द लीडरशिप ऑफ जगदीश साहब, शेखर साहब, किरण साहब, मोहसिन साहब, इनके नेतृत्व में आज इमरान खानपा ने शुमालियत यानी ज्वाइनिंग की है। इनका मकसद एक ही है कि अरविंद केजरीवाल साहब को जो दूसरी बार मौका मिला है, दिल्ली की अवाम ने जो दिया है वो मौका, उन्होंने जो अवाम का दिल जीता है और अपने कारनामों से, अपने काम से पहचाने जाते हैं। सेफ दिल्ली मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन हमारे कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ये एक मिसाल है जो अरविंद केजरीवाल साहब ने ये मिसाल कायम की है। आज गुलबर्गा की हालात के ऊपर हम जायजा लेंगे कि रोड, नाली, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स और पानी का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए अवाम हर साल परेशान होती है। तो इसीलिए ये पूरा सर्वे करने के बाद ये मालूम हो गया कि गुलबर्गा में सिर्फ एक वाहिद पार्टी है, एक सिंगल पार्टी है जो आने वाले दिनों में अवाम की बात सुनेगी और अवाम के मसले मसाइल को उठाएगी, अवाम के नेतृत्व में बात करेगी। और ये पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवाम से परमिशन लेके, अवाम से प्रॉब्लम पूछ के वो अपने मैनिफेस्टो में डाल के और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करेगी। आज हम इमरान खान साहब का जो आम आदमी पार्टी में जो ज्वाइनिंग की है, एक उम्मीद है इनसे कि आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे, पार्टी के एम्स, पार्टी का ऑब्जेक्टिव्स को लेके इनका जो फिक्र है वो 100% ये मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी के मैनिफेस्टोज को लेके, पार्टी के एम्स को लेके आगे बढ़ने का पूरा कॉन्फिडेंट इनमें है। और दूसरी बात ये अपील करते हैं गुलबर्गा के 55 वार्ड के अवाम से के नौजवानों और जो उम्रदराज लोग हैं, पार्टी के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये पार्टी आने वाले दिनों में एक उभरती हुई पार्टी है जो गुलबर्गा की सियासत चेंज करने वाली है। इसीलिए आज पुरजोर अपील करते हैं कि नौजवान के लिए एक ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी जो किसी जात पात के बारे में बात नहीं करती है, किसी कास्ट के बारे में बात नहीं करती है, सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर चलती है, वो है एजेंडा के डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। आज जो है मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। बेसिकली 10 डेज बिफोर यहाँ पे एक बेसिक मीटिंग कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे मैं आके देखा एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और डेवलपमेंट के रिलेटेड जो बात यहाँ पे बताई गई है, एजुकेशन के सेक्टर के रिलेटेड और बोले तो उनके जो भी पॉलिसीज है, एजेंडा है, एक ही चीज़ है, डेवलपमेंट। तो जब मैं ये सारे चीज़ें देखा, इससे पहले भी मैं दूसरे पार्टीज में वर्क किया हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ये दिखी कि गुलबर्गा को हम डेवलपमेंट में किस वे, डेवलपमेंट को किस वे से हम गुलबर्गा को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये पार्टी की जो भी स्ट्रेटजीज है वो देख के जो है मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स है और मेरे जितने भी रिलेटिव्स और ओवरऑल जो भी जितने भी मेरे कहने वाले लोग, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुलबर्गा के पूरे 55 वार्ड में आप लोग जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, और इंशाल्लाह ताला इस बार मेयर जो है आम आदमी पार्टी का लाएंगे। और डेवलपमेंट किसे कहते हैं पूरे गुलबर्गा को हम लोग बताएंगे।